नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कचहरी से लेकर संधा रिंग रोड तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है शनिवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं इस 8 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क परियोजना में क्या लेटेस्ट अपडेट है। ये आप देख रहे हैं संधा रिंग रोड से ये आगे की तरफ चले जाएगा आपका आशापुर, पांडेपुर और कचहरी के लिए। ये पूरा सड़क मार्ग 4 लेन बन रहा है और कुछ इसी प्रकार का ये 4 लेन आपको दिखाई देगा कचहरी तक। काफ़ी शानदार दृश्य है यहाँ से रिंग रोड से। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के कचहरी होते हुए पांडेपुर और आगे में संधा रिंग रोड तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। इस समय मैं हूं पुलिस खेल मैदान कचहरी से थोड़ा सा आगे बाएं तरफ। आप देख रहे हैं यहां पर क्रिकेट मैदान या खेल का मैदान, पुलिस खेल मैदान, और यहीं से वीडियो की शुरुआत करता हूं। पूरा ये मार्ग 4 लेन बन रहा है पांडेपुर होते हुए आशापुर संधा रिंग रोड तक। आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है रविवार का। शनिवार का दिन होना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक के बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट आप देखिए कचहरी, आगे पांडेपुर और उसके आगे आशापुर और संधा रिंग रोड तक। यह है आपका पांडेपुर फ्लाईओवर। आज शनिवार का दिन है। आगे में इस फ्लाईओवर पर भी जाम लगता है, काफ़ी बड़ी संख्या में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे आपको यहाँ पर ट्रैफिक जाम मिलेगा। आगे पूरा पांडेपुर बाजार है और इस बाजार के दोनों तरफ भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया था सड़क चौड़ीकरण के लिए। किनारे में बाएं तरफ एक मंदिर भी है, उस मंदिर का भी स्थानांतरित किया जाना है क्योंकि बिल्कुल सड़क के बीचों बीच है। यहाँ आप देखेंगे तो डिवाइडर का निर्माण कार्य पांडेपुर फ्लाईओवर के ठीक नीचे उतरते ही यहाँ तक हो चुका है।
काम फिलहाल यहाँ पर बाकी है। इस मार्ग के बनने के बाद सारनाथ जाना और रिंग रोड के आगे गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, इन सभी का की तरफ जाने के लिए ये रास्ता थोड़ा सुगम हो जाएगा फोर लेन बनने के बाद, क्योंकि ये मार्ग सीधे आपको आगे की तरफ ले जाएगा गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर। फिलहाल अभी काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है इस मार्ग पर। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी ट्रैफिक है। आगे में पहाड़िया सब्जी मंडी, जैसा कि देख रहे हैं डिवाइडर पूरा रास्ते भर आपको इसी प्रकार बीचों बीच निर्माण हो चुका है। और पहाड़िया सब्जी मंडी से यहाँ से आपका बिजली के खंभे लग चुके हैं डिवाइडर पर, और दोनों तरफ फिलहाल यहाँ पर नाली भी बन चुकी है। नवीन मंडी स्थल पहाड़िया वाराणसी, यहाँ से रिंग रोड करीब 6 किलोमीटर है और कुल लंबाई कचहरी से लेकर रिंग रोड तक 8 किलोमीटर ये करीब लंबा ये मार्ग है, जो कि आपका फोर लेन यहाँ पर बन रहा है। दो हज़ार 2025 तक ये भी सड़क मार्ग पूरी तरीके से आवागमन के लिए चालू हो जाएगा। आप देख रहे थे कचहरी से लेकर पांडेपुर, सारनाथ, आशापुर होते हुए रिंग रोड तक, संदहा रिंग रोड तक बनने वाले करीब 8 किलोमीटर लंबे फोर लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मालूम हो तारीख आज 6 अप्रैल और शनिवार का दिन है। यहाँ सड़क मार्ग बन चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, और चौड़ाई भी सड़क मार्ग की अभी मार्किंग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी काम इस पर बचा है। जैसा कि मैंने बताया आपको 2025 तक पूरी तरीके से ये आवागमन के लिए ये सड़क मार्ग चालू हो जाएगा। बनने के बाद काफी शानदार दिखेगा ये मार्ग।
जैसा कि देख रहे हैं पूरा रास्ते भर आपको डिवाइडर पर हेरिटेज लुक में ये लाइट लग चुका है और रात को काफ़ी शानदार ये दृश्य होगा जब ये लाइट यहाँ पर जलेगी पूरी। आपका आशापुर फ्लाईओवर काजीपुर 70 किलोमीटर यहां से और ये है आपका आशापुर फ्लाईओवर। यह है आपका आशापुर और यहाँ से अब आपको आगे ले चलते हैं। ये मार्ग भी करीब करीब 80% यहाँ पर पूरा हो चुका है आशापुर से आगे की तरफ संधा तक। आशापुर बस स्टॉप यहाँ पर है बस अड्डा। जैसा कि देख रहे हैं बस चारों तरफ आपको बसी बस नज़र आएगी दोनों साइड और ये जाम का मुख्य कारण बनता है। यहाँ से अब आशापुर से पूरा संधा रिंग रोड तक कुछ इसी प्रकार आपको कंप्लीट सड़क मार्ग दिखाई देगा। डिवाइडर पर काम होने के बाद यहाँ पर बिजली के खंभे भी लगा दिए गए हैं और पेड़ पौधे यहाँ पर रास्ते भर आपको दिखाई देंगे। ये आपका लेडूपुर और आगे में ही संधा रिंग रोड। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है ये लुक इस सड़क का फिनिशिंग होने के बाद और भी अच्छा दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप ये डिवाइडर पर इस प्रकार के ग्रिल लगाए जा रहे हैं लोहे के। आशापुर तक पूरा ये इस प्रकार का होगा और फिर
आशापुर फ्लाईओवर के आगे दूसरे प्रकार का डिवाइडर है,